हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वर करियर एकेडमी। आज हम देखने वाले टॉपिक वाइज करंट अफेयर फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 2019, और इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे दिसंबर मंथ से, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हुए, अवार्ड, अपॉइंटमेंट अवार्ड, ओबिचुरीज, या फिर कोई इंपॉर्टेंट MOU और एग्रीमेंट साइन होता है वो, कोई इंपॉर्टेंट लोन्स है वो कवर हो जाएंगे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है, या फिर कोई समिट या फिर कॉन्फ्रेंसेस होती है तो वो भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है। तो सारा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है वो दिसंबर से इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, और आप ऐसे टॉपिक वाइज अगर स्टडी करेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होती है, और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके RBI असिस्टेंट के मेन्स के लिए और SBI क्लर्क के मेन्स के लिए, जो अभी होने वाले मार्च अप्रैल 2020 में, तो उसको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखेंगे अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर। तो फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द पर्सन, सेकंड कॉलम में उनका डेजिग्नेशन या फिर जो भी पोस्ट है वो है सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट है सोमाराय बर्मन क्या अपॉइंट किए गए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसे कंफ्यूज नहीं करना है कैट के साथ में, ये है CGA ना कि CAG। नेक्स्ट देखिए उर्सुला वॉन्डर लेन, ये कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन के या फिर यूरोपियन यूनियन के, इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं उर्सुला वॉन्डर लेन, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं उर्सुला वॉन्डर लेन। नेक्स्ट है KV जयकुमार, ये है सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर इन यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, अमित शाह जी के अंडर आती है यूनियन होम मिनिस्ट्री, और अमित शाह के बेटे जय शाह ये कौन बन गए हैं, BCCI के सेक्रेटरी बन गए हैं। BCCI बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, उसके सेक्रेटरी है जय शाह, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ये कौन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन। और इसी से रिलेटेड एक बताता हूँ आपको, देखिए इनका नाम भी है गिरीश चंद्र, लेकिन सरनेम है इनका मुर्मू। तो ये कौन है फ्रेंड, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कंफ्यूज नहीं करना है, गिरीश चंद्र मुर्मू है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन। नेक्स्ट देखिए सना मरीन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। तो फिनलैंड की कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट देखिए रवि मित्तल कौन है, न्यू इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के नए सेक्रेटरी है रवि मित्तल, और इसके मिनिस्टर कौन है क्या आप बता सकते हैं, इसके मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हेवी इंडस्ट्रीज के भी मिनिस्टर है और इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर भी है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट देखिए लेफ्टिनेंट जनरल पोर्टाली शंकर राजेश्वर, तो ये कौन है, 14th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो अंडमान एंड निकोबार के 14th कमांडर इन चीफ है पोर्टाली शंकर राजेश्वर। नेक्स्ट है हरिमोहन है चेयरमैन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन है हरिमोहन। नेक्स्ट देखिए सुंदर पिचाई अपॉइंट किए गए एज अ CEO ऑफ अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन के CEO अपॉइंट किए गए सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के भी CEO है और गूगल की पैरेंट कंपनी है अल्फाबेट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए मसातगु असाकावा, यह है प्रेसिडेंट ऑफ ADB। ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर इन फिलीपींस के मैनिला में इसका हेडक्वार्टर है, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है ताकि को नकाओ को। नेक्स्ट है अर्नब गोस्वामी, यह है प्रेसिडेंट ऑफ इट्स गवर्निंग बोर्ड न्यूज एंड ब्रॉडकास्टर फेडरेशन, NBF के प्रेसिडेंट बन गए हैं अर्नब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक भारत इस न्यूज चैनल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट श्री सुगंध राजाराम,
ये है इंडिया नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू रिपब्लिक ऑफ घाना। तो घाना के लिए नए एम्बेसडर होंगे, हाई कमिश्नर होंगे सुगन राजाराम। और घाना की कैपिटल क्या है फ्रेंड, अक्रा इज द कैपिटल ऑफ घाना और करेंसी है केडी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए एक्टर सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी फेमस बॉलीवुड एक्टर, ये क्या है बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा। नाडा क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। नेक्स्ट है रिपुदमन देवली, ये है फ्लॉगिंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया। याद रखना है फ्लॉगिंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया कौन है, रिपुदमन देवली। नेक्स्ट देखिए रवनीत सिंह। तो रवनीत सिंह कौन है, चीफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के चीफ पर्सनल रवनीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, दैट इज एमएम नरवणे, ये कौन है आर्मी चीफ, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट है डॉक्टर मनीषा घोष। डॉक्टर मनीषा घोष चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एट फेडरल कम्युनिकेशन FCC। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये है फॉरेन सेक्रेटरी कमिटी ऑफ द कैबिनेट। नेक्स्ट है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन है चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM से बिलोंग करते हैं हेमंत सोरेन। आर्यन रवि, ये इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर ऑफ मेघालय। ये नागालैंड के भी गवर्नर थे और मेघालय के इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट है बोरिस जॉनसन, ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। अतुल करवल, ये है डायरेक्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी। तो ये अकेडमी कहाँ पर है, हैदराबाद में है ये अकेडमी, और अतुल करवल इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी। नेक्स्ट है देवेश श्रीवास्तव, ये चेयरमैन एंड MD बन गए हैं ऑफ GIC जो कि एक री इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन है देवेश श्रीवास्तव। जस्टिस PV रमालू, ये है लोक आयुक्त ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट के लोकायुक्त है जस्टिस PV रमालू। और चंद्रशेखर है तेलंगाना के CM। नेक्स्ट देखिए संगीता रेड्डी, ये बन गई है फिक्की। फिक्की क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो उसकी बन गई है प्रेसिडेंट। तो फिक्की से आपको न्यूज याद रखनी है, के के मोदी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है फिक्की के, वो हाल ही में उनका निधन हो चुका है, तो ऑबिट्यूरीज से ये एक आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए निरंजन हीरानंदानी, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसकॉम के चेयरमैन न्यू प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी। नेक्स्ट है HK जोशी, ये चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इंडिया के शिपिंग मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया इज द शिपिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या आप इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एन तिरुमला नायक है न्यू लेबर कमिश्नर ऑफ IAS के न्यू लेबर कमिश्नर है तिरुमला नायक। राजीव कुमार, यह है प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इन वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनकर। और इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर रेलवे कहाँ पर होने वाली है, ये भी होने वाली है वेस्ट बंगाल में। शिवदास मीणा, यह है चेयरमैन ऑफ पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जस्टिस गुलजार अहमद, यह है 27 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 27 चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद। सेतुरमन पंचानंथन, यह है नेशनल साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन। नेक्स्ट देखिए एयर मार्शल डी चौधरी, यह है कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज। श्रीधर पात्रा, ये है नालको क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, उसके चेयरमैन है MD है श्रीधर पात्रा। रिचर्ड वेंचर कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अनिता प्रवीण, ये है एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ये मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है, रविशंकर प्रसाद जी के अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और उसकी सेक्रेटरी बन गई एडिशनल सेक्रेटरी अनिता प्रवीण। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अब्देल मजीद तिबोन
तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया। देखिए अल्जीरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी थे और अब बन गए हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत, तो ये पहले आर्मी के चीफ थे, अब बन गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। नेक्स्ट है अमित तलजेरी, ये चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर बन गए हैं अमित तलजेरी। फ्रेंड्स यूनियन बजट से इम्पोर्टेंट MCQ की ये वीडियो है, आप जरूर देखिए 50+ इम्पोर्टेंट MCQ फ्रॉम द यूनियन बजट 2020, और इस पर से आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे RBI असिस्टेंट के मेंस में और SBI क्लर्क के मेंस में, एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली बजट से बनेंगे, तो आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट अब अवार्ड देखेंगे हम फ्रॉम दिसंबर 2019, अवार्ड फ्रॉम दिसंबर 2019, फर्स्ट कॉलम में अवार्ड और सेकेंड कॉलम में अवार्डी। मिस यूनिवर्स ऑफ द 2019 ये है जुजीविनी तुंजी, जुजीविनी तुंजी इज द मिस यूनिवर्स ऑफ 2019। ये एक ब्लैक वुमन है, पहली ब्लैक वुमन है जिसे मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है और ये बिलोंग करती है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट देखिए नोबेल पीस प्राइज ये मिला है इथोपिया प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद, क्योंकि इन्होंने इनकी जो नेबरिंग कंट्री है इरिट्रिया इसके साथ में जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व कर दिया है अबी अहमद। और इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला है फ्रेंड, इकोनॉमिक्स का अभिजीत बैनर्जी, जो कि एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है। नेक्स्ट देखिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को ये मिला है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। जनरल इलेक्शन इन यूके जीता है PM बोरिस जॉनसन ने। नेक्स्ट देखिए सिद्धार्थ देव को मिला है विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च ह्यूमैनिटीज आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के लिए। नेक्स्ट देखिए संजय पुरी ये इन्हें मिला है विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च इन फिजिकल साइंसेज। असदुल्ला खान को मिला है विजिटर्स अवार्ड इन रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज। और शवन राय चौधरी को मिला है विजिटर्स अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये सारे विजिटर्स अवार्ड में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, उनकी फील्ड आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए अमिताभ बच्चन, इन्हें मिला है दादा साहेब फाल्के 2019 अवार्ड। नेक्स्ट है टोनी जोसेफ, इन्हें मिला है 2019 का शक्तिफल फर्स्ट बुक प्राइज। लियोनेल मेसी, इन्हें मिला है बैलॉन डी अवार्ड, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट संगीता जेटली, इन्हें मिला इकोनॉमिक्स टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये एक्चुअली मिला है अरुण जेटली जी को, उनके बिहाफ लिया है संगीता जेटली जी ने। नेक्स्ट देखिए जोएकिन राफेल फोनिक्स, इन्होंने जोकर मूवी में एक्टिंग की थी, आपने देखी होगी जोकर मूवी अगर हॉलीवुड की, तो उसमें एक्टिंग की थी इन्होंने, तो इन्हें मिला है पेटा पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। और पेटा का इंडिया अवार्ड मिला है विराट कोहली को, पेटा इंडिया मिला है विराट कोहली को। क्रिस्टोफर मार्टिन जर्किंस, इन्हें मिला है स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड अबू धाबी UAE, ये बना है वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन एट 26th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड। नेक्स्ट देखिए कायरेट अब्दार खमानोव, निकोलस एमिलो, फ्रेंटिक्स क्रुशिस्का और वॉल्यूमिर एलचेनको, तो इन्हें मिला है द दिवाली फाउंडेशन है अमेरिका में, और दिवाली द पावर ऑफ वन अवार्ड मिला है इन सारे लोगों को। नेक्स्ट है गोलू मीरचंदानी, इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर ऑफ एसोसिएशन। ओडिशा स्टेट को मिला है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर जगह मिशन, तो ओडिशा के काफी सारी स्कीम्स है और यहाँ पर बाली यात्रा होती है, साथ में धनु यात्रा होती है, तो ये सारे फेस्टिवल्स भी आपको याद रखने हैं इनके फेस्टिवल्स, या फिर यात्रा समिट कह सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए ग्रेटा थनबर्ग, एमिन हैदर गो जुएनमई देवी कोपेनोवा यानोमामी, तो इन्हें क्या मिला है राइट लिवलीहुड अवार्ड 2019 का। नेक्स्ट है अजीत डोवाल, इन्हें मिला है एनरोरी डॉक्टरेट एट द हेमवती नंदन बहुगुना सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अजीत डोवाल कौन है, NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, और
डेपुटी एनएसए कौन है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। इनका भी अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुआ था डेप्यूटी एनएसए, तो ये कौन है कमेंट्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट देखिए प्रियंका चोपड़ा, इन्हें मिला है मार्केश फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड। गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप, इसे मिला है स्पेस ऑफिसर अवार्ड। रानी रामपाल इंडियन वुमेन्स हॉकी कैप्टन, और सौरभ चौधरी शूटर, इन्हें मिला है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बाय फिक्की। ग्रेटा थनबर्ग को मिला है टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ग्रेटा थनबर्ग बिलोंग करती है स्वीडन से। टोनी एन सिंह, इन्हें मिला है मिस वर्ल्ड अवार्ड, ये बिलोंग करती है जमैका से। टोनी एन सिंह ये है मिस वर्ल्ड, और सुजी विनी तुंजी है मिस यूनिवर्स, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को मिला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बेस्ट परफॉर्मेंस बाय जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नर कौन है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, गिरीश चंद्र मुर्मू है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर, और आर के माथुर है लद्दाख के गवर्नर। गवर्नर नहीं, ये दोनों है लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि है यूनियन टेरिटरी क्या होते हैं फ्रेंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जो नॉर्मल स्टेट्स है उनके होते हैं गवर्नर। देखिए बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर, इन्हें मिला बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, इंग्लैंड के क्रिकेटर ऑलराउंडर है। आर नागास्वामी को मिला सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्ट। आदित्य के को मिला भारत अवार्ड फॉर ब्रेवरी। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना को मिला यूनिसेफ का स्वच्छ भारत इम्प्लीमेंटेशन अवार्ड। संतोष जी होनावर को मिला अमेरिकन एकेडमी का ऑप्थेमोलॉजी AAO हाईएस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और अनूप मिश्रा को मिला है आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सेलेंस अवार्ड। अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस के फ्री PDF चाहिए फ्रेंड, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस पर विजिट कीजिए, सारे बैंकिंग अवेयरनेस के फ्री PDF है, फॉर RBI और SBI क्लर्क का जो मेंस आएगा अभी, तो उसके लिए जो सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस के PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। नेक्स्ट देखिए MOU साइन, MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर एग्रीमेंट भी कह सकते हैं आप। तो ये किस कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुए हैं, तो देखिए इंडिया और स्वीडन, तो ये वेन्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ है और उसका पर्पज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट है इंडिया और स्वीडन, तो फॉर इंडो स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर, फॉर इंडो स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया, तो इनके बीच में हुआ है 206 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू डेवलप वाटर सप्लाई एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए EDB लोन देगा 206 मिलियन का, और सारे इंपॉर्टेंट लोन से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, आपके RBI और SBI के मेंस के लिए, तो वो जरूर देखिए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इन्होंने साइन किया है MOU इन ऑर्डर टू प्रमोट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इनके बीच में MOU हुआ है, इसलिए हुआ है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्चेस आउट टू इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC और आरामको एशिया के बीच में हुआ है MOU, इसलिए हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME। देखिए MSME के मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, नागपुर, और ये इंडिया के हाईवे मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट देखिए डेल टेक्नोलॉजी एंड यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पीस, इन्होंने MOU साइन किया है, इसलिए किया है तो क्लासरूम को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल से लेस करने के लिए। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, हर्ष कुमार भंडवाला, इन्होंने MOU साइन किया है टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग सिस्टम,
Next is India or Indonesia to strengthen cooperation in the areas of defense and security. और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट फिर से कौन बन गए हैं? जोको विडोडो. ये सेकेंड टर्म है इनकी, जोको विडोडो. इंडिया एंड मालदीव फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन फॉर द ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट एंड क्रिमिनल मैटर. इसमें एमएलयू साइन किया इंडिया और मालदीव ने. नेक्स्ट है एसबीआई और केएफडब्ल्यू जर्मन डेवलपमेंट बैंक. तो इनके बीच में वो एमओयू हुआ है $277 million टू एस्टेब्लिश एन एनर्जी एफिशिएंट हाउसिंग प्रोग्राम इन इंडिया. नेक्स्ट है सीएसआईआर इंडिया और नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च फ्रांस. तो इनके बीच में हुआ है एग्रीमेंट, किस लिए हुआ है? प्रमोशन एंड सपोर्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड यूको बैंक. रेलवे मिनिस्ट्री और बर्मिंगहम यूनिवर्सिटी में हुआ है एमओयू टू सेटअप सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन रेलवे. ईडीबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में अगेन एमओयू हुआ है फॉर $490 million पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश को देगा लोन $490 million का ईडीबी. इम्पॉर्टेंट डेज विथ थीम्स. देखिए दिसंबर से इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम. अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में. तो देखिए 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे थीम थी 2019 की कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस. 1 दिसंबर को एक और डे होता है इंडिजिनियस फेथ डे. नेक्स्ट 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ अबोलिशन ऑफ स्लेवरी. 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज और थीम थी प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड देयर लीडरशिप टेकिंग ऑन द एक्शन 2030 डेवलपमेंट एजेंडा. ये थीम थी पर्सन विद डिसेबिलिटीज डे की. 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे. इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर थीम थी इंडियन नेवी साइलेंट स्ट्रांग एंड स्विफ्ट. 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे. थीम थी वॉलंटियर फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर. 5 दिसंबर अगेन वर्ल्ड सॉइल डे. थीम थी स्टॉप सॉइल इरोजन सेव अवर फ्यूचर. 7 दिसंबर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे. 7 दिसंबर अगेन इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे. थीम थी 75 ईयर्स ऑफ कनेक्टिंग वर्ल्ड. 9 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ कमोमरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द क्राइम जियोनोसाइड एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम. 9 दिसंबर को एक और डे होता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे. थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन. 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे. थीम यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट. इंटरनेशनल माउंटेन डे. थीम माउंटेन मैटर्स फॉर यूथ. ये था 11 दिसंबर को. 12 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी. 12 दिसंबर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे. थीम कीप द प्रॉमिस. 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. 14 दिसंबर अगेन माल्टा इंटेलेक्चुअल्स डे. 15 दिसंबर इंटरनेशनल टी डे. 16 दिसंबर आपको पता होगा विजय दिवस होता है, जब इंडिया ने पाकिस्तान की ओर 1917 में जो वॉर हुआ था उसमें विक्ट्री हासिल की थी. नेक्स्ट है 18 दिसंबर माइनॉरिटीज राइट डे. 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे. 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे. 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे. तो ये किसकी याद में मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए. नेक्स्ट है 23 दिसंबर नेशनल फार्मर्स डे. 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर्स डे. थीम अल्टरनेट कंज्यूमर ग्रीवेंसेस डिस्प्यूट रिट्रेशन. और 25 दिसंबर है गुड गवर्नेंस डे. ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में. अब हम देखेंगे फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस फ्रॉम 2019. तो इस वीडियो में मैंने 2019 के सारे इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंक्लूड की है. बिल्कुल क्विक रिविजन है 2019 की सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस. देखिए उनका वेन्यू भी इम्पोर्टेंट है और किस कंट्री के बीच में हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है. देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA विल होस्ट द फर्स्ट एवर काउंटर टेररिज्म सिटी एक्सरसाइज. तो NIA होस्ट करेगा एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज. पार्टिसिपेटिंग नेशंस है US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. ये होगा न्यू दिल्ली में. मिलान 2020 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज.
योग ऑफ 41 नेशन पार्टिसिपेट करेंगे इसमें फ्रॉम साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका, यूरोप से योगा विशाखापट्टनम में। फिलहाल ये कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया है। कोरोना जो कि COVID-19 डिसीज है, जो कि वुहान चाइना से आउटब्रेक हुआ है पूरी दुनिया में, तो उसकी वजह से मिला पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज सिंधु सुदर्शन 7, ये इंडियन आर्मी पोखरण राजस्थान, आरई सरेक रीजनल लेवल रिसर्च एंड रेस्क्यू वर्कशॉप एंड एक्सरसाइज ये करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड गोवा कोस्ट में। नेक्स्ट है काजिन इंडिया कजाकिस्तान, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 10 तिलक इंडिया उज्बेकिस्तान, चिकरिक तशकंद में, जायर अल बाहर नेवीज ऑफ इंडिया एंड कतार, ये होगा दोहा कतार में, धर्मा गार्डियन होगा इंडिया और जापान मिजोरम में, शिन्यू मैत्री होगा इंडियन एयरफोर्स और जैपनीज एयरफोर्स में, ये होगा अर्जन सिंह पनागढ़ वेस्ट बंगाल में, मिनिक्स ये होगा इंडियन नेवी एंड जापनीज नेवी के बीच में कोची केरला, एक्सरसाइज शक्ति होगा इंडिया और फ्रांस राजस्थान में सेकेंड एडिशन, समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया बे ऑफ बंगाल में, कुंभट एक्सरसाइज हिमविजय इंडिया एंड चाइना होगा अरुणाचल प्रदेश में, नोमैडिक एलिफेंट 14 योगा इंडिया और मंगोलिया के बीच में, बकलो में टाइगर ट्रॉफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट, योगा विशाखापट्टनम काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है वज्र प्रहार इंडिया और यूएस, योगा सिएटल यूएस में, चंगथांग योगा इंडिया चाइना ईस्टर्न लद्दाख चाइना में। ये सारे एक्सरसाइज हो चुके हैं फ्रेंड्स 2019 में, सिर्फ आपको याद रखना है क्योंकि इस पर से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बाकी सारे एक्सरसाइज आप एक बार पढ़ लीजिए, मैंने ये PDF में प्रोवाइड कर दी है और PDF की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये स्टार्टिंग में हुए थे, बाकी के एक्सरसाइज आप एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ऑब्यूचरीज फ्रॉम द डिसम्बर 2019। देखिए शेले मॉरिसन ये कौन थे, फॉर्मर हॉलीवुड एक्ट्रेस। नेक्स्ट है भास्कर मेनन, ये थे वेटरन जर्नलिस्ट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है बॉब विलिस, ये थे फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन, क्रिकेट के कैप्टन थे बॉब विलिस। जॉर्ज जोसेफ लॉरेंस, ये थे इन्वेंटर ऑफ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ब्रज बिहारी कुमार, ये थे चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। पॉल वॉकर इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर यूएस फेडरल चीफ रिजर्व थे ये। राइटर गोलापुरी मारुतिराव, ये थे फॉर्मर नंदी अवार्ड विनर और तेलुगु एक्टर। नेक्स्ट है देखिए पीटर स्नेल, तो पीटर स्नेल कौन थे, न्यूजीलैंड के 3-time ओलंपिक मेडल डिस्टेंस चैंपियन थे। डैनी आयलो, ये थे वेटरन फिल्म एक्टर। श्रीराम लागू, ये मराठी एक्टर थे। नेक्स्ट देखिए गीता सिद्धार्थ कक, ये थे बॉलीवुड एक्ट्रेस। आईडी स्वामी थे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। थॉमस चंदी, ये थे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के केरला स्टेट के प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर। एलएस शेषगिरी राव, कन्नड़ा राइटर एंड क्रिटिक। विदुषी सरिता देवी, ये थी रिनोन हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थी विदुषी सरिता देवी। गंगा प्रसाद विमल, ये थे हिंदी ऑथर। मार्टिन पीटर्स, ये थे फॉर्मर वेस्ट हैम एंड टॉटनहैम मिडफील्डर। द चेन, ये थे कलर्स ऑफ द माउंटेन इस बुक के ऑथर थे। एली विलिस, ये थे अमेरिकन सॉन्ग राइटर। तारा सिन्हा थी फाउंडर ऑफ द ईडी एजेंसीज क्लेरियन एंड टाटा सिन्हा एसोसिएट्स। विकास सबनीस थे पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट। पेजावर मठ थे विशेष शाह तीर्था स्वामी। पेजावर मठ से जो विशेष तीर्था स्वामी थे उनकी भी डेथ हो गई है। और ईश्वर दयाल स्वामी, ये थे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, ये भी रिसेंटली इनकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रेंड फ्रॉम द डिसम्बर 2019। सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स PDF के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए फ्रेंड्स। ये मंथ वाइज टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है और स्पेशल अलग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज है फॉर RBI और SBI के मेन्स के लिए, उसकी भी PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब देखेंगे समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम द डिसम्बर 2019। देखिए इंडिया और जापान फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, ये हुई थी न्यू दिल्ली में।
थर्ड नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव, ये ऑर्गेनाइज की थी जेएम ने न्यू दिल्ली में। फोर्थ वाटर इम्पैक्ट समिट, ये की थी ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट, इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी न्यू दिल्ली में। UNFCCC की COP25 समिट हुई है, कहाँ पर हुई है, माद्रिद स्पेन में। नेक्स्ट है नेशनल गंगा काउंसिल की गंगा उत्सव ऑर्गेनाइज किया था, ये था कानपुर उत्तर प्रदेश में। 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हुई है न्यू दिल्ली में, ये ऑर्गेनाइज की थी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और अर्थ साइंस में। स्टील इंडिया 2019 हुई है न्यू दिल्ली में, ऑर्गेनाइज की थी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखिए ये जो 36th जियोलॉजिकल कांग्रेस हुई है, इसकी थीम आपको याद रखनी है, जियो साइंसेस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और स्टील इंडिया की थीम क्या थी, ड्राइविंग मेटल इंटेंसिटी इन की सेक्टर। नेक्स्ट देखिए 38th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, ये भी हुई न्यू दिल्ली में। नागपुर रिजोल्यूशन नाम से पता चलता है नागपुर में हुआ है, ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंसेस ने। हमारा टेलीग्राम पर स्टडी ग्रुप भी है फ्रेंड, जहाँ पर आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर और क्विजेस भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे स्टडी ग्रुप पर। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा फ्रेंड, प्लीज तो यूट्यूब पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए सिल्वर करियर एकेडमी को, और जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसके रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। अब लास्ट देखेंगे हम फ्रेंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर फ्रॉम डिसम्बर 2019। देखिए 13th एडिशन ऑफ साउथ एशियन गेम हैज ऑफिशियली किक्ड ऑफ आफ्टर द ओपनिंग सेरेमनी इन दशरथ स्टेडियम काठमांडू नेपाल। तो 13th एडिशन साउथ एशियन गेम स्टार्ट हुए हैं काठमांडू नेपाल में, दशरथ स्टेडियम में इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। मर्सिडीज रेसर लेविस हैमिल्टन वॉन अबूधाबी ग्रैंड प्रिक्स इन अबूधाबी। देखिए लेविस हैमिल्टन लेजेंड है रेसिंग के, कार रेसिंग के, तो इन्होंने जीता है अबूधाबी ग्रैंड प्रिक्स। इनकी ये ओवरऑल 84th करियर विक्ट्री थी, ये भी आपको याद रखना है। और मैक्स वेटरस्पन क्योंकि रेडबुल के लिए खेलते हैं, ये थे इस रेस में सेकेंड। 13th एडिशन ऑफ साउथ एशियन गेम्स जो कि नेपाल में हुआ है, तो इसमें इंडिया ने टॉप किया है और नेपाल में सेकेंड रहा है। तो इंडिया ने जीते 312 मेडल, इसमें 174 गोल्ड है, 93 सिल्वर है और 45 ब्रॉन्ज है। देखिए नेपाल सेकेंड रहा है और श्रीलंका थर्ड रहा है। न्यू दिल्ली इज टू होस्ट नेशनल स्विम गेम 2020। नेक्स्ट है वेटरन ओपनर वसीम जाफर बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टू फीचर इन 150 रणजी मैचेस। वसीम जाफर 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले इंडियन बने हैं या फिर पहले प्लेयर बने हैं। डॉक्टर प्रगानंदा सॉरी आर प्रगानंदा फ्रॉम इंडिया हैज वॉन पीडे ओपन कैटेगरी इन द लंडन चेस क्लासिक हेल्ड इन लंडन। तो आर प्रगानंदा चेस से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। एक्टर सुनील शेट्टी हैज बीन सिलेक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। नेक्स्ट देखिए विनेश फोगाट, यह रेसलर और साक्षी मलिक दोनों ने क्या किया है, रजिस्टर्ड कन्विंसिंग विन्स इन द फाइनल क्लेम्ड गोल्ड मेडल एट द सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप जलंधर पंजाब। तो रेसलिंग की चैंपियनशिप कहां पर हुई थी, जलंधर पंजाब, जिसने गोल्ड मेडल जीता है विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने। नेक्स्ट देखिए इंडियन रेसलर दीपक पुनिया हैज बीन नेम्ड जूनियर फ्रीस्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अनवील्ड द न्यू वर्ल्ड रैंकिंग सिस्टम फॉर 2020 इन लॉसन स्विट्जरलैंड। तो हॉकी फेडरेशन ने नई रैंकिंग सिस्टम बनाई है जो कि उन्होंने अनवील की है, मतलब लोगों के सामने रखे, कहां पर, स्विट्जरलैंड में। इंडियन मेन्स फुटबॉल टीम रिमेन स्टैटिक एट 108 स्पॉट, जिसकी फीफा रैंकिंग में इंडिया की पोजिशन है 108। इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू वन द वुमन 49 kg कैटेगरी गोल्ड मेडल ओपन गोल्ड मेडल टू ओपन इंडिया अकाउंट एट द 6 कतार इंटरनेशनल कप इन दोहा। तो मीराबाई चानू जीता है गोल्ड मेडल एट 6 कतार इंटरनेशनल कप इन दोहा, जो कि एक वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू। अब देखेंगे आईसीसी के जो एनुअल अवार्ड होते हैं 2019 के, उसमें से इम्पोर्टेंट अवार्ड।
ठीक है, फर्स्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर ये है रोहित शर्मा फ्रॉम इंडिया, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीटर सीडल ने रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मिला है बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर, 2020 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर ये मिला है दीपक चहर को जो कि इंडिया के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लगस चेंज, नेक्स्ट है उमस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं उमस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं उमस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिसा हिनी, यह है ऑस्ट्रेलिया से, वुमन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह है चनेदा सुत्तीनारंग, यह है थाईलैंड की, आईसीसी वुमन T20 कैप्टन ऑफ द ईयर है मैग लैनिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, आईसीसी वुमन ओडीआई कैप्टन ऑफ द ईयर भी है मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, आईसीसी ओडीआई कैप्टन ऑफ द ईयर है विराट कोहली, आईसीसी टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर भी है विराट कोहली, एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर है स्कॉटलैंड के काइल कोइटसर, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है विराट कोहली को, और ये क्यों मिला है क्योंकि उन्होंने जो स्टीव स्मिथ को ऑडियंस ने टीज किया था उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, ऑडियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टीव स्मिथ को सम्मान देना चाहिए, इसलिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला है विराट कोहली को। अंपायर ऑफ द ईयर है रिचर्ड इलिंगवर्थ जो कि इंग्लैंड के हैं, और फैंस मोमेंट अब तक डिसाइड नहीं हुई है। अब देखिए इंडियन मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमन मैच रेफरी ऑफ मेंस ओडीआई मैच, तो जीएस लक्ष्मी पहली महिला है जो कि मेंस ओडीआई को अंपायरिंग करेगी। नेक्स्ट है बेल्जियम हैज बीन क्राउन्ड फीफा टीम ऑफ द ईयर, तो फीफा टीम ऑफ द ईयर रही है बेल्जियम 2019 की। इंडियन टेनिस एस लिएंडर पेस हैज अनाउंस 2020 विल बी लास्ट प्रोफेशनल ईयर, इसके बाद वो लेंगे रिटायरमेंट। नेक्स्ट है इंडियन ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी विंस द वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप हेल्ड इन मॉस्को रशिया, तो कोनेरू हम्पी जीता है वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप जो कि मॉस्को रशिया में हुआ था। साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर वर्नन फिलंडर ने रिटायरमेंट ले ली है। विराट कोहली बॉलीवुड बिगेस्ट एलिस्टर टॉप स्पोर्ट्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट इन 2019। ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलर पीटर सीडल जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया मैंने आपको बताया था अभी। नेक्स्ट है द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज विथड्रॉन बॉयकॉट कॉल फॉर द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन बर्मिंगहम, द 2019 क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज एक्सटेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद यूनिसेफ थ्रू वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020 विद फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमन गर्ल्स एंड क्रिकेट। देखिए आईसीसी यूनिसेफ के साथ में पार्टनरशिप में है, और आपको T20 वर्ल्ड कप का अपडेट बता देगा वुमेन्स का, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, आपको याद रखना है इंडिया को हराया है फाइनल्स में जो कि 2020 का T20 वर्ल्ड कप था। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ इस आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 हैज बिगेन इन लेह में बिगिन हुई है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट वीक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैज अनाउंस लॉन बॉल एंड साइकिलिंग विल बी इंक्लूडेड इन थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स। देखिए खेलो इंडिया गेम्स में लॉन बॉल और साइकिलिंग न्यूली इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और ये गेम्स कहाँ पर हुए गुवाहाटी में हुए, जिसमें टॉप किसने किया है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र ने टॉप किया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में। एमएस धोनी हैज बीन नेम एज द कैप्टन ऑफ द ईयर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ओडीआई टीम, जिसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरनेशनल ओडीआई टीम होती है उसमें एमएस धोनी को कैप्टन ऑफ द डिकेड चुना गया है। इंडियन स्कीपर विराट कोहली एंड पेस बॉलर जसप्रीत बुमराह आर द ओनली इंडियंस इन द विजडेंट T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड, तो ठीक है टीम ऑफ द डिकेड में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ये दो इंडियंस है T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ डिकेड में, और एरॉन फिंच इस टीम के कैप्टन चुने गए हैं। नेक्स्ट देखिए इंडियन शूटर सौरभ चौधरी
won 10 meter air pistol grade air sorry 10 meter air pistol gold medal at 63rd national shooting championship in Bhopal. Saurabh Chaudhary जीता एक gold medal at 63rd national shooting championship जो कि भोपाल में हुई थी. Next देखिए श्री नित्यानंद राय inaugurated for All India Police Judo Cluster in New Delhi. और ये कौन है? नित्यानंद राय, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर. फॉर्मर इंडिया स्कीपर महेंद्र सिंह धोनी वॉज टूडे पिक एज द कैप्टन ऑफ ESPN क्रिकेट इन्फो T20 एंड ODI टीम ऑफ द डिकेड. तो देखिए MS धोनी को कैप्टन ऑफ द डिकेड चुना गया है फॉर ODI एंड T20. किसने चुना है? तो ESPN क्रिकेट इन्फो ने. नेक्स्ट देखिए फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को यूथ गेम्स के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है. खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है. ये कहां पर बिगेन हुई? भुवनेश्वर इन उड़ीसा. और यूनिवर्सिटी भी आपको याद रखनी है, KIIT यूनिवर्सिटी. न्यूजीलैंड के बैट्समैन लियो कार्टर हैज बिकम द सेवन बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू स्मैश 6 सिक्सेस इन द ओवर. देखिए न्यूजीलैंड के लियो कार्टर ने 6 सिक्स मारे एक ओवर में, तो ऐसे करने वाले वो 7 बैट्समैन बन गए क्रिकेट हिस्ट्री के. तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसकी लिंक शेयर कीजिए. जल्दी से इस वीडियो की लिंक कॉपी कर दीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या फिर टेलीग्राम जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर इसकी लिंक शेयर कर दीजिए. और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा फ्रेंड्स तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उस पर भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स में डालता हूँ तो उसके रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे. स्टडी करते रहिए. थैंक यू.